क्या आपने सुर्ख रंग की ब्राजील लकड़ी का मुनफरिद दरख्त देखा है? जी हाँ, पर्नाम्बुको की लकड़ी अक्सर सुर्ख भूरी या नारंगी भूरी होती है। पर्नाम्बुको का दरख्त माता अटलांटिका की पैदाइश का है, जो ब्राजील के बोहरे ओकियानूस के साहिल पर वाके बरसाती जंगल में पाए जाते हैं। उसका साइंसी नाम पोब्रा सीलिया या चनाता है, जो पुर्तगाली अल्फाज पाओ यानी लकड़ी और ब्राजील सुर्ख या अंगारे की तरह से आया है। ब्राजील की लकड़ी आमतौर पर हल्की दरमियानी भूरी होती है। उनका अंदरूनी हिस्सा दानेदार होता है और उसका रंग नारंगी से गहरे सुर्ख रंग तक होता है, जिसे आमतौर पर ब्राजील वुड के नाम से जाना जाता है और ये फर्नीचर और लकड़ी से बनने वाली दीगर अशिया में इस्तेमाल होती है। शुरुआत में पुर्तगालियों ने पर्नाम्बुको चूरा करके बतौर रंग इस्तेमाल किया। उस रंग की मदद से जामनी, तेज नारंगी और सुर्ख रंग भी बनाया जाता है। ये दरख्त पुर्तगाली के लिए इतना अहम था कि उन्होंने इस जमीन का नाम उसके नाम पर रखा, जिसे ट्रेडो ब्रेसिल कहा जाता है। उसके बाद पुर्तगाली नौ आबादकारों ने उसकी काश्त की और उस लकड़ी को यूरोप बरामद किया। उसको डाई, तामीराती मवाद और बोबना ने के लिए इस्तेमाल किया गया।